पॉलिसी अनाउंसमेंट में निकले हैं? बड़ी बात यह है कि 25 साल बाद या ऑलमोस्ट 30 साल, 25 मिले अब आप ऑलमोस्ट 30 साल कह सकते हैं, इतना अग्रेसिव हम फेड का एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 40 साल की ऊंचाई पर है। काफी सारे जो मेजर्स अभी आप देख रहे हैं ये 1990 में ही इंट्रोड्यूस करे गए थे, तो वहां से अगर आप डेटा निकाले तो ऑलमोस्ट 30 साल बाद आप इतना अग्रेसिव, आखिरी बार 1994 में इतना अग्रेसिव फेड था और उससे पहले 1980 में इतना अग्रेसिव फेड था, तो टाइमलाइन आप देख सकते हैं कि लंबे समय बाद आप इतने अग्रेसिव फेड को देख रहे हैं और बाजार उसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने एक्सपेक्ट किया था 0.5% की रेट हाइक आएगी, 0.5% की ही रेट हाइक आई है, तो वहां से कुछ अलग नहीं निकल कर आया है। इस साल 3% से दरें और बढ़ चुकी हैं, पर अनुमान क्या है और कमेंट्री क्या है जिसकी वजह से आप बाजार पर असर देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात जो फेड की अग्रेसिव पॉलिसी रही है, उन्होंने कहा है कि 2% पर इन्फ्लेशन लाने पर पूरा फोकस बना रहेगा। अभी 8% से ऊपर है, 8.5% यूएस में इन्फ्लेशन है, इसको 2% तक जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक फेड अपना अग्रेसिव रुख बनाए रखेगा। तो ये एक बड़ी बात कही है पॉलिसी में पावेल साहब ने। दूसरा एक अच्छी बात भी कही कि उन्हें अनुमान है कि इस साल इन्फ्लेशन गिरकर 5.5% आ सकता है, तो आगे तेजी से इन्फ्लेशन गिर सकता है, पर क्योंकि 2% का आपका टारगेट है तब तक फेड रुकेगा नहीं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी पॉलिसी काफी अग्रेसिव बनी रहेगी। दूसरी बात इन्होंने की टर्मिनल रेट यानी कि एवरेज रेट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं 4.6% तक जा सकता है, फिलहाल जो टर्मिनल रेट है वो 3.1% है, यानी कि यहां से भी 1-1.5% की बढ़ोतरी तो आराम से आपको आती हुई दिख सकती है आगे जाकर। इनफैक्ट अनुमान लगाया जा रहा है बाजार का कि इसी साल, यानी कि दो पॉलिसी इस साल अभी और भी बाकी है, इसी साल आप 1-1.25% की बढ़ोतरी और देख सकते हैं, यानी कि अगली पॉलिसी में भी 0.5% की रेट बढ़ोतरी और उसके बाद 0.5% की बढ़ोतरी आने की पूरी संभावना बाजार लगाकर चल रहा है, तो काफी अग्रेसिव रुख बना रहेगा। बाजार ने अनुमान लगाया था कि 2023 मिड 2023 से रेट्स घटना शुरू हो जाएंगे, पर अब वो अनुमान पुशबैक कर दिया गया है, अब 2024 से पहले कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा है कि दरों में कटौती होगी। फेड ने भी ऐसी कमेंट्री दी है कि उन्हें नहीं लग रहा कि जल्दी ही रेट्स में कटौती का समय आएगा, क्योंकि आगे और बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। जो इन्होंने ये गाइडेंस दी है रेट प्लॉट की लेकर, वहां से बाजार का मूड काफी आपको बिगड़ते हुए दिखा है, क्योंकि एक जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल 3.5% तक रेट जाएंगे, अब वो बढ़कर 4-4.25% हो गया है, तो आगे और अग्रेसिव रेट हाइक्स रह सकती हैं। दूसरे अगले साल जो रेट कट्स हो सकते हैं वो अब मूव करके 2024 हो गया, तो इन दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो आप देख रहे हैं बाजार पर असर पड़ रहा है। दूसरा ग्रोथ को लेकर भी थोड़ी कॉमेंट्री खराब ही रही है, क्योंकि पावेल साहब ने मान लिया है कि देखिए आ सकती है मंदी, और कितनी सिवियर मंदी आएगी वो हमें नहीं मालूम, बट एक एडमिशन फेड की तरफ से आ गया है कि आर्थिक धीमापन तो थोड़ा दिख ही रहा है एक्शन की वजह से, मंदी भी आ सकती है, कितनी सिवियर होगी उस पर रखनी पड़ेगी नजर। और बेरोजगारी 3.7% पर है, अभी बढ़कर 4.4% तक जा सकती है फेड के एक्शन की वजह से, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो कमेंट्री आई है वो काफी नेगेटिव रही है, काफी अग्रेसिव रही है, जिसकी वजह से आप बाजार पर मतलब ये रेट हाइक नहीं है, ये कमेंट्री जिसने बाजार को डराया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या अमेरिकी या यूरोप के सेशन में, क्या क्या दिखा? फेड पॉलिसी आई, थोड़ा बाजार वॉलेटाइल थे, उसके बाद बाजार संभल गए, और फिर उसके बाद जब ये कमेंट्री आई तो एक वर्टिकल फॉल आपने देखा, वॉलेटाइल सेशन था, करीब 850 की रेंज में हमने डाउ में कारोबार होते हुए देखा, उस बीच 550 अंक लुढ़क कर दिन के निचले एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट पर आपने डाउ को बंद होते देखा, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में भी यही था, पौने 2% की गिरावट अक्रॉस फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज थी, और रसल 2000 करीब 1.5% नीचे आपको बंद होते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड में बड़ा उछाल देखिए, 2 साल की यील्ड अब 4.1% पर जा चुकी है, 15 साल की नई ऊंचाई है, वहीं 10 साल की 3.5% पर है, तो काफी तेज उछाल आपने बॉन्ड यील्ड में भी आते हुए देखा फेड पॉलिसी के बाद, और जो ये अनुमान है कि आगे भी अग्रेसिव रुख बना रहेगा। सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी, आईटी और कंज्यूमर शेयर्स एक बार गिरावट में सबसे आगे फिर से आपको दिखे। यूरोप के बाजार क्योंकि कमेंट्री से पहले ही बंद हो गए थे, तो यहां पर बढ़त थी, 0.5% की बढ़त थी, आज रिएक्ट करेंगे। बट हां, कमोडिटीज में देखिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बड़ा उछाल आ गया, डॉलर इंडेक्स 111 के पार है, 20 साल की नई ऊंचाई पर है। कच्चा तेल जो कल हम बाजार बंद हो रहे थे तो 93 पर आ गया था, वो लुढ़क कर अब 90 के नीचे 89 पर आपको दिख रहा है। इसके साथ ही सोना एकदम रेंज में है, कुछ एक्शन वहां पर नहीं दिख रहा है। बेस मेटल्स पर आपको दबाव दिख रहा है, कॉपर 1 साल के निचले स्तर, तो एल्यूमिनियम 1.5 साल के निचले, 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है कॉपर, एल्यूमिनियम 1.5 साल के निचले स्तर पर आपको दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज में भी प्रेशर है, तो अक्रॉस कमोडिटी मार्केट प्रेशर आपको दिख रहा है। आज एशिया बाजार कमजोर दिख रहे हैं, और फेड की जो कमेंट्री रही है उसी का ये असर है।